फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलती मूवी। आई एम जय। दोस्तों, Zee5 की इंडिया लॉकडाउन मूवी देखी और सिर्फ दो शब्द कहना चाहूँगा, मार्वलस एक्टिंग साहब, मार्वलस एक्टिंग। जिस तरीके से प्रतीक बब्बर और श्वेता बासु प्रसाद ने जो एक्टिंग की है, रोल में जान डाल दी थी साहब, इतनी बढ़िया एक्टिंग। अगर मूवी के बारे में हम बात करिए तो इसमें चार पैरेलल स्टोरी डिफरेंट सेगमेंट में चल रही है। पहली स्टोरी प्रतीक बब्बर और साई तमहन का, जो एक पति पत्नी है, जिसमें प्रतीक बब्बर एक गरीब ठेला वाला है और उसकी पत्नी काम वाली बाई है, जिसके ऊपर लॉकडाउन का इतना खराब असर होता है कि उनको मुंबई से अपने गांव पैदल जाना पड़ता है। दूसरी स्टोरी श्वेता बासु प्रसाद की है, जो एक प्रोस्टिट्यूट है और लॉकडाउन में प्रोस्टिट्यूट का क्या हाल होता है जब उसका धंधा बंद होता है, इसके ऊपर मधुर भंडारकर जी ने स्टोरी आगे बढ़ाई है। तीसरी स्टोरी है आहना कुमरा की, और एक टीनेज बंदा होता है जो उसका पड़ोसी होता है, और वो दोनों की एक स्वीट फ्रेंडशिप लव स्टोरी हम कह सकते हैं। चौथी स्टोरी है प्रकाश जी की, जिसकी बेटी हैदराबाद में प्रेग्नेंट है और उनको वहाँ पे देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, तो प्रकाश जी को मुंबई से लेके हैदराबाद बाय कार जाना पड़ता है। अब इस चार पैरेलल स्टोरी को मधुर भंडारकर जी ने इतना बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखा है कि आपको कहीं पे भी कंटाला नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, चलो प्रोस्टिट्यूट की कहानी में थोड़ी बहुत हवस चलती है, लेकिन जो गरीब बंदा है उसकी जो स्टोरी है वो पूरी एक सैड और एक बोले तो नेचुरल स्टोरी एक दिखाई गई है, उसमें हवस की बातें दिखाने की क्या जरूरत थी। आहना कुमरा की जो फ्रेंडशिप लव स्टोरी है उसमें भी हवस डाल दिया। इसमें स्टोरी इस तरीके से बनाई जिसमें 50% तो हमको हवस की हवस ही दिखती रहती, मैं ऐसे लव और नेचर ऐसे क्या बोलते हैं वल्गर सीन्स हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टोरी ऑडियंस को अच्छी लगेगी क्योंकि उसका जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दूसरी एक बात मुझे मधुर जी से पूछनी है कि इंडिया के जो दो वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स और पुलिस, उसके बारे में स्टोरी क्यों नहीं डाली। हम सबको पता है कि डॉक्टर्स और पुलिस ने लॉकडाउन में अपनी जान पे खेलकर हम लोगों की रक्षा की है, एक स्टोरी उनकी भी डालनी थी। और हाँ, मैं सोनू सूद को एज ए गेस्ट अपीयरेंस में एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि हम सबको पता है कि बॉलीवुड का एक देशभक्त सोनू सूद, जिन्होंने लॉकडाउन में गरीब और बेसहारा लोगों की कितनी मदद की है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसका सीन आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, इस मूवी को मैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। पहले दो स्टार्स तो मैं प्रतीक बब्बर जी और श्वेता बासु प्रसाद की मार्वलस एक्टिंग के लिए, फेबुलस एक्टिंग थी साहब, एक बार और बोलना चाहूँगा, मज़ा आ गया। जिस तरीके से प्रतीक बब्बर खाने को ढूंढता है डस्टबिन में से, मज़ा आ गया। और जिस तरीके से श्वेता बासु प्रसाद अपने क्लाइंट्स को लुभाती है लस्टी बात करके, वो भी सर वो एक्टिंग जबरदस्त थी। और हम सब जानते हैं कि मधुर भंडारकर की जो सोशल इश्यू के ऊपर मूवी है, जैसे कि चांदनी बार, फिर Page 3, फैशन, ट्रैफिक सिग्नल, बहुत ही बढ़िया और आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी वाली मूवीज है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।